अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम मुसल्लस की खसूसियत इस सबक के अंदर देखेंगे कि मुसल्लस के किसी भी दो अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ, इसकी क्या खसूसियत होती है, ये हमें इस वीडियो के ज़रिए समझना है। आप बगौर मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले हम एक कागज़ के ऊपर एक मुसल्लस बनाएंगे। ये मुसल्लस कोई भी हो सकता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक मुसल्लस बना रहा हूँ, ये मैंने एक किताए खत खींचा है। इस किताए खत को मैं ए बी नाम दे देता हूँ। किताए खत ए बी, ये हमारा एक किताए खत तैयार हो गया। अब मैंने नुक्ता ए के ऊपर स्केल रखकर एक किताए खत और खींचा। उसी तरीके से नुक्ता बी के ऊपर स्केल रखकर एक और किताए खत इसको मिलाते हुए खींचेंगे, जिसकी वजह से हमारे सामने बनने वाली शक्ल एक मुसल्लस की शक्ल तैयार हो जाती है। मुसल्लस ए बी सी ये हमारे सामने हमको नज़र आ रहा है। अब ये मुसल्लस ए बी सी हमने जो बनाए, इसकी लंबाइयों को नापते हैं। सबसे पहले किताए खत ए बी की लंबाई नापते हैं, मुसल्लस का ज़िला ए बी। ये स्केल की मदद से नापने पर हमें पता चलता है कि इसकी लंबाई 5.5 सम है। इसे हम लिख लेते हैं कि ए बी बराबर 5.5 सम। उसी तरह ए सी की लंबाई नापते हैं, 1, 2, 3, 4, 4.1। जी हाँ, ए सी की लंबाई हमारे सामने है 4.1 सम, इसे भी हम लिख लेते हैं, ए सी बराबर 4.1 सम। अब बचा ज़िला बी सी, उसकी लंबाई को नापते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3.2। ज़िला बी सी की लंबाई है 3.2 सम, इसे भी हम लिख लेते हैं। अब मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ हमारे सामने हैं, ए बी बराबर 5.5 सम, ए सी बराबर 4.1 सम और बी सी बराबर 3.2 सम। पहले हम देखते हैं ए बी और बी सी ये दोनों अज़ला की लंबाई का मजमुआ। ए बी की लंबाई हमारे पास है 5.5 सम और बी सी की लंबाई है 3.2 सम। इन दोनों की जमा हमारे पास आती है 8.7 सम। 8.7 सम ये दोनों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ है और ज़िला ए सी की लंबाई है 4.1 सम, जो कि 8.7 सम से छोटी है। यानी हम लिख सकते हैं 8.7 बड़ा है 4.1 सम, यानी जो ज़िला ए सी की लंबाई है। इसी का मतलब ये होता है कि ए बी जमा बी सी इसका जो लंबाई का मजमुआ है वो इसी से बड़ा है। इसके बाद अब हम कोई और दो ज़िले लेते हैं। चलिए देखते हैं, इस बार हम लेते हैं दूसरे नंबर पर बी सी और ए सी को, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर बी सी जमा ए सी। अब बी सी की लंबाई हमारे पास 3.2 सम है, जबकि ए सी की लंबाई 4.1 सम है। इन दोनों की लंबाई का मजमुआ करते हैं हम, जो कि जवाब हमारे पास आएगा 7.3। अब 7.3 ये बचा हुआ ज़िला ए बी, जिसकी लंबाई है 5.5 सम, उससे बड़ा है 5.5 सम, यानी ज़िला ए बी। यानी हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि बी सी और ए सी की लंबाई का मजमुआ ज़िला ए बी की लंबाई से ज़्यादा है। ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। यानी हमने जो दोनों मिसालें इससे पहले देखी, ए बी जमा बी सी ये दोनों की लंबाइयों का मजमुआ ए सी से ज़्यादा है, उसी तरह बी सी और ए सी इसके लंबाई का मजमुआ ए बी से ज़्यादा है। अब तीसरे नंबर पर हम लेते हैं ज़िला ए सी और ज़िला ए बी, यानी ए सी जमा ए बी। ए सी जमा ए बी, अब ए सी हमारे पास है 4.1 सम और ए बी हमारे पास है 5.5 सम। इन दोनों की अगर हम जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 9.6 सम। अब ये 9.6 सम फिर जब हम देखेंगे ज़िला बी सी की लंबाई, जो कि 3.2 है, उससे ज़्यादा है 3.2 जो ज़िला बी सी की लंबाई है। यानी फिर से हम यहाँ भी तीसरी कंडीशन में भी कह सकते हैं कि ए सी जमा ए बी इसकी लंबाइयों का मजमुआ ज़िला बी सी की लंबाई इसके से ज़्यादा है। मिसाल के ज़रिए हमें ये समझ में आता है कि मुसल्लस के कोई भी दो ज़िले अगर हम लेंगे, उनकी लंबाइयों का जो है तो मजमुआ करेंगे, तो उनकी लंबाइयों का मजमुआ बाकी मानदा जो ज़िला है, तीसरा ज़िला है, उससे ज़्यादा ही रहेगा। यानी दो ज़िले जब हम मिलाएंगे, उनका मजमुआ करेंगे, तो वो तीनों हालत में तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा ही आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुसल्लस के
किसी भी दो अज़ला की लंबाइयों का मजमूआ तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होता है। आप भी इस तरह के मुसल्लस बनाइए और इस बात की तस्दीक कीजिए।